मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते ढाई महीनों से जारी हिंसक संघर्ष के बीच दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयानक वीडियो सामने आया है, जिस पर पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा है। वहीं मणिपुर की घटना को लेकर धार जिले के मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कड़ी निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। आज देश में मणिपुर राज्य में जो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के साथ जो बर्बरता हो रही है, बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मनाक है। आज इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, इस देश की संवैधानिक व्यवस्था में, आज जो वहाँ के आदिवासी इस देश के मूल निवासियों के साथ जो बर्बरता बढ़ती जा रही, कहीं ना कहीं इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के साथ एक मजाक उड़ाया जा रहा है। आज केंद्र की मोदी सरकार, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ और जिसमें आदिवासी बेटियों के साथ जो खुलेआम शर्मनाक हरकतें की गई, बर्बरता की गई, कहीं ना कहीं इस देश के आदिवासियों, इस देश के मूल निवासियों और इस देश के मालिकों पर कहीं ना कहीं हमला है। मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता हूँ कि इस बर्बर घटना को आप संज्ञान में लें और इस बर्बर घटना में जो दोषी जो भी लोग हैं, जिस भी समुदाय के लोग हैं, इनको फांसी पर लटकाना चाहिए। आप इस देश के प्रथम नागरिक, इस देश के आदिवासी समुदाय से, इस देश के आदिवासी समाज से और इस देश के महामहिम राष्ट्रपति होने के नाते महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से अनुरोध है कि मणिपुर के आदिवासियों को बचाइए, उसको बचाने के लिए आगे आइए। और इस देश की केंद्र की मोदी सरकार से भी अनुरोध है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी की चुप्पी मणिपुर हिंसा पर, जिस प्रकार मणिपुर राज्य के भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी कहीं ना कहीं इस देश के प्रदेश के आदिवासियों के खिलाफ है, और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर वास्तव में आदिवासियों के हितैषी है, अमित शाह जी अगर वास्तव में आप आदिवासियों के हितैषी है, तो मणिपुर घटना पर कड़े से कड़ा एक्शन आपको लेना चाहिए। मैं इस देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस गंभीर मामले को आपने स्वतः संज्ञान में लिया और आपने एक्शन की बात कही। मैं पूरे देश के आदिवासी समुदायों से, आदिवासियों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि इस बुरे समय पर मणिपुर के आदिवासियों के साथ खड़े हुए और मिलकर इस देश के, इस प्रदेश के और मणिपुर के आदिवासियों को बचाने के लिए आगे आए और मिलकर संघर्ष करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। मनावर से मयंक साधु की रिपोर्ट।